तो कुल 51 क्वेश्चन तक किए थे ना प्रैक्टिस, तो आज उससे आगे प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या हो गया? ये तो हो गया था ना क्वेश्चन, ये तो हो गया था ना। चलो ये क्वेश्चन पढ़ दो फिर। क्वेश्चन दिख गया होगा कि यदि 1001 × 111 है ना, 110,000 प्लस 11 गुणा क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, है तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी? तो समझ में आ गया क्वेश्चन। तो समझिए, पहले यहाँ पे जो 1001 है, 1001 ये बहुत ज्यादा खूबसूरत नंबर है, सबसे पहली बात तो ये। अब ये खूबसूरत क्यों है, उसके वजह क्या है वो समझिए। क्योंकि ये 1001 तीन प्राइम नंबर, तीन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। तीन अभाज्य संख्याओं का, तीन क्रमागत अभाज्य संख्याएं है ना। कौन कौन सी संख्या है वे? 7 है, 11 है और 13 है। अगर मैं इन तीनों, देख तीनों अभाज्य संख्याएं हैं है ना, इन तीनों का मैं अगर प्रोडक्ट कर दूं, गुणनफल कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे? 1001। क्लियर होगी बात? तो 1001 क्या है? तीन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। किस किस का? 7 का, 11 का और 13 का, ठीक है ना। अब इसकी 1001 की खूबी क्या है वो समझिए। अब 1001 एक ऐसा नंबर है, 1001 एक ऐसा नंबर है कि इसके साथ आप तीन अंकों की कोई भी संख्या, तीन अंकों की कोई भी संख्या, जैसे कि मैंने मान लिया 248, 248 की अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो ये 248 जो है दो बार रिपीट होकर 6 अंकों में बदल जाएगी। यानी कि 248 कितने बार रिपीट होगी? 248 को दो बार रिपीट कर देगा, है ना। यानी कि 248, 248 दो बार लिखा गया, और ये तीन अंकों की संख्या किस में बदल गई? 6 अंकों में बदल गई। क्लियर होगी बात? तो 1001 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ अगर हम तीन अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो संख्या दो बार रिपीट होकर 6 अंकों में बदल जाती है। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है ना। क्या तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 1001 जो नंबर है, इसका कंसेप्ट क्या लिख लो यहाँ पे, इस तरीके से अलग से लिख लो कि 1001 के साथ अगर हम तीन अंकों की संख्या ए बी सी की मल्टीप्लाई करेंगे, तीन अंकों की संख्या ए बी सी है ना, तो किस में बदलेगी? ए बी सी, ए बी सी, समझ गए बात को? तो ये बदल जाएगी किसमें? 6 अंकों में बदल जाएगी। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है क्या किसी को? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ये चीज समझ में आई कि 1001 अगर किसी 3 अंकों की संख्या के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो वो संख्या दो बार रिपीट होकर 6 अंकों में बदल जाती है। क्लियर हुई बात? ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई हमें इस 1001 के साथ मल्टीप्लाई करनी है 222 की, कितने कितने की? 222 की। तो 222 को दो बार रिपीट करोगे, 222 222 ऐसे लिखोगे, 222 222 लिखोगे कि नहीं? तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि दो अंक को हमने 6 बार लिख दिया, दो को अंक को हमने कितनी बार लिख दिया? 6 बार लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना मैं, ठीक है। अब ये हुआ क्यों भाई? 1001 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 1000 + 1, 1000 + 1, ठीक है ना। अब 1000 + 1 में अगर मैं 356 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो 356 की मल्टीप्लाई किस में करूंगा? 1000 में। 356 और 3 0 356 हजार बोल सकते हो,
है ना, प्लस 356, प्लस के 356, तो ये जुड़ने के बाद क्या होगा, 356, 356 है कि नहीं है, 356, 356, इसलिए ये छह अंकों में बदल जाती है। आप बताओ पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 1001 को याद रखना है, जब भी 1001 दिखता है तो इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी एक तुरंत समझ में आ जानी चाहिए कि 1001 तीन अभाज्य संख्या 7, 11 और 13, इन तीनों के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1001 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। क्लियर है। जल्दी उतारो। अब क्वेश्चन पर चलो भाई, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है कि यदि 1001 गुणा 111, तो जाहिर सी बात है ये 111 दो बार रिपीट हो जाएगा और छह अंकों में बदल जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो एक है ये तीन छह बार लिखा जाएगा, है ना। एक कितनी बार लिखा जाएगा, छह बार लिखा जाएगा, यानी कि 111 है ना, ये एक को हमने छह बार लिख दिया, बराबर किसके हो गया, 1,10,000 के, 1,10,000 के प्लस 11, इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 11x। तो इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, हमें निकालनी है इसकी 11x, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, है ना। तो ये हुआ 111,111, 111,111 में से 110,000 घटाओगे तो क्या बचेगा भाई, 1111 बचेगा कि नहीं, 1111 बचेगा कि नहीं, 1111, क्योंकि 110,000 इधर आके घटेगा और बराबर ये क्या हो गया, 1111 बराबर 11x। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 101 ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 101 भाई, 11 से कटेगा 1111, तो कितनी बार कटेगा, 101 बार कटेगा, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है या नहीं, समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, क्या दिक्कत हुई, मतलब ये क्या समझ में नहीं आया, 1001 में जब 111 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार लिखोगे, एक को छह बार, तो क्या लिखा गया, 111,111 बराबर है 110,000 लिखा हुआ है, प्लस के 11x, इसको x मान लिया रिक्त स्थान को, तो ये कितना हो गया, 11x। अब ये बताओ 111,111 में से जब इधर आके घटेगा, 110,000 घटेगा, तो क्या बचेगा, 1111 बचेगा, और 1111 बराबर 11x हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो x बराबर किसके, x बराबर किसके, 1111 बटे 11, तो जब 11 से काट दोगे तो 11 की बाहर नहीं चलाओगे, 11 एकम 11, अब यहाँ पे तो जीरो बच गया ना, बीच में क्या आ गया, जीरो, 11 एकम 11, 101, अब भी नहीं आया समझ में, आ गया समझ में, तो आंसर हो गया इसका भाई सी ऑप्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 53, जल्दी जल्दी करो थोड़ा, है ना, कम समय में ज्यादा चीज करनी है आज। यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस एक्स दहाई, यहाँ पे एक्स मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, एक्स दहाई है ना, तब रिक्त स्थान पर संख्या कौन सी होगी, तब रिक्त स्थान पर संख्या कौन सी होगी, बताओ जल्दी कौन सी संख्या होगी, तब रिक्त स्थान पर संख्या कौन सी होगी, पता नहीं अभी तुम बताओ, देखो करने की कोशिश किया करो, चाहे गलत भी हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ दहाई का मतलब 10 होता है ना, हाँ तो बस देखो क्या होगा, वो तो मुझे नहीं पता, अभी तुम बताओगे क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा बताओ जल्दी, उधर से, उधर से इधर को, अब इस तरह को, बस बस बस, देखो समझो भाई, ये 30,028, ये 28 इकाई, इकाई का मतलब एक, यानी कि 28 की मल्टीप्लाई एक में करोगे तो कितना 28 ही बचेगा, है ना। ये है 28,000, यानी कि 1,000 में मल्टीप्लाई करोगे किसकी, 28 की, तो 28,000 प्लस
एक्स, और ये दाई का मतलब है 10, यानी कि ये इधर क्या होगा 10x, ये इधर क्या होगा 10x। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो 28,000 में जब 28 जोड़ दोगे तो 28,000 28 होगा कि नहीं, ये बताओ। 28,000 में जब 28 जोड़ दोगे तो 28,000 28 होगा कि नहीं? तो 28,000 28, यहां लिख रहा मैं 28,000 28 प्लस ये हो गया 10x प्लस के 10x यानी के 10x। कोई दिक्कत यहां तक? और ये किसके बराबर है भाई? ये है हमारा 30,000 28 के बराबर, 30,000 28 के बराबर है ना, 30,000 28 के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये 30,000 28 में से जब तुम 28,000 28 को घटाओगे तो 2,000 बचेगा, 2,000 बचेगा भाई। 30,000 28 में से 28,000 28 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा? 2,000 बचेगा। ये बचेगा कितना भाई? 2,000 किसके बराबर बचेगा? 10x के। तो 10x बराबर 2,000, तो x की वैल्यू कितनी बची? 200। समझ नहीं आया? आप भी आगे समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताओ, समझ नहीं आया है? आगे समझ में? ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया? 200। तो ए ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं पहले प्रीवियस में, ठीक है ना, इनकी बढ़िया तैयारी करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, समझिए ये भी एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ जल्दी क्या होगा कि यदि 603 इंटू 28 बराबर 63 इंटू 4 इंटू क्वेश्चन मार्क, तब रिक्त स्थान पर क्या होगा? हमें तो पता है कि x है रिक्त स्थान पे, ठीक है ना, तो x का मान निकालना है हमें, इसका मतलब है ना x की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा सिंपल है, तो गुणा भाग वाला सवाल आ गया, कर लोगे ना इसको तो आराम से, कुछ भी नहीं करना भाई। 4 7 28 हो गया, यहां तो 7 बार कट गया, 7 से काट दो, 7 9 63 है ना, और 9 से काट दोगे तो 9 से काट दो, 9 6 54 और 9 7 63, तो इसका मतलब इधर तो x रह गया, इधर 67 बच गया, तो x की वैल्यू कितनी है? 67 आंसर। आई नहीं बात समझ में? आगे समझ? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नोट कर लिया क्वेश्चन, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे भाई, बोलो। हो गया, हो गया इधर, तुम बताओ, तुम हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55। देखो ये लास्ट ईयर आया हुआ है क्वेश्चन, किसमें? सी टेट के एग्जाम में, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हो सकता है इस बार भी टकराए, है ना, तो इसको करके जाना। मैं तो कहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी रट लेना, समझ गए बात को, कि देखते ही फोड़ दियो, है ना। तो कह रहा है कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कुल 4 अंकों की संख्या है, टोटल कितनी है? हिंदू अरबी यानी कि भारतीय प्रणाली की बात कर गया, बताया था ना संख्यांकन प्रणाली, तो भारतीय प्रणाली की बात कर रहा है। भारतीय प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो बताओ कैसे निकाल लोगे? देखो ये बताओ तुम मुझे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मुझे लिखनी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी। आप मुझे एक बात बताओ पहले तो भाई, दुनिया में कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो या कितनी भी छोटी संख्या लिखनी हो तो हम कितने डिजिट का प्रयोग करते हैं? 10 डिजिट का ना, 10 डिजिट का ना, केवल 10 डिजिट का, यानी कि डिजिट वो कौन कौन सी है, तो केवल हम 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं, और वो 10 डिजिट कौन कौन सी है? 0 से 9 तक, 0 से 9 तक भाई। 1 से 9 तक तो 9 डिजिट होगी और एक 0 भी है, इसका मतलब कुल 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी? 9, और सबसे छोटी डिजिट कौन सी होगी? 0। तो सबसे बड़ी 9 है और सबसे छोटी 0 है, ठीक है ना। अब मुझे लिखना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि अंकों में कितने हो? 5। तो कैसे लिखोगे? तो 9 को बड़ी से बड़ी लिख ली, तो 9 को ही तुम 5 बार लिख दोगे, 9 को ही तुम कितनी बार लिख दोगे? 5 बार। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 को तुम 5 बार लिखोगे, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 को तुम 6 बार लिखोगे, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 को तुम 7 बार लिखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 1। 1 लिख दिया तो 5 में से 1 कम कर दो, 5 में से 5 अंकों की लिखनी है ना छोटी से छोटी, तो 5 में से 1 कम कर दो, कितना हुआ? 4। तो 4 0 लगा दो उसके साथ,
तो 4-0 लगा दो उसके साथ। बात समझ में आई? छह अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, तो पहले तो एक लिखोगे, छह अंकों की छोटी से छोटी, अब छह में से एक घटा दो, कितना 5, तो 5-0 लगाओगे। समझ रहे बात को? इस तरीके से छोटी संख्या लिखना आ गया और बड़ी से बड़ी संख्या, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, तो मुझे एक बात बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही तो होगी 9999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें मैं अगर एक भी जोड़ दूंगा तो 5 अंकों में बदल जाएगी कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है ना। अगर मैं कहता हूं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सी होगी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी भाई, 1000 होगी कि नहीं, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो मुझे ये बताना है कि 1000 से लेकर 9999 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। बात समझ में आई? मुझे ये बताना है कि 1000 से लेकर 9999 तक ये कुल कितनी संख्याएं हैं, इन संख्याओं की काउंटिंग करनी है मुझे, इन संख्याओं की क्या करनी है, काउंटिंग करनी है मुझे। बात समझ में आई? ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल तरीका है, बड़ी में से छोटी घटा दो, तो कितना आ गया, ये आ गया 8999। अब हमें 1000 को भी शामिल करना है और 9999 को भी शामिल करना है, यानी कि दोनों को साथ में लेकर चलना है। अगर हम 9999 में से 1000 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, हमने 1000 को तो छोड़ दिया ना, तो यानी कि हम ले रहे कि कहां से शुरू कर रहे हैं हम, फिर 1001 से लेकर 9999 तक, 1001 से लेकर 9999 तक, यानी कि 8999 जो संख्याएं हैं वो 1001 से लेकर 9999 तक है। बात समझ में? लेकिन हमें तो 1000 को भी शामिल करना था, तो 1000 को वापस बुलाने के लिए एक और संख्या जोड़नी पड़ेगी, है ना। तो कितना हो गया 9000। बात समझ में आई? तो कुल कितनी संख्याएं हैं, ए ऑप्शन यानी कि 9000। अब भी नहीं समझे क्या? समझ चुके बात को, ठीक है ना। इस तरीके से निकालते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये पूछ लेता तुमसे कि बताइए 1000 और 9999 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, 1000 और 9999 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो क्या आंसर होता? नहीं, एक सेकंड, कॉल आ रही है। हेलो, बताओ भाई, समझ में आ गया? तो हाँ, मैंने पूछा था कि अगर मैं पूछता हूं कि 1000 और 9999 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तब क्या जवाब दोगे? है, देखो, तब आंसर होता 8998 होता। देखो भाई, ये 1999 कब है आंसर, ये 1999 आंसर कब है, जब हमने 1000 को काट दिया था, 1000 को शामिल नहीं किया था, यानी कि 1001 और 9999 तक, 1001 को शामिल किया यहाँ पे और 9999 को भी शामिल किया। लेकिन उसने पूछा, अब मैं क्या पूछ रहा, 1000 और 9999 के बीच, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये वाली, यानी कि ना तो मुझे इसको शामिल करना और ना मुझे इसको शामिल करना। जब मैंने 9999 में से 1000 को माइनस कर दिया, तो इसका मतलब 1000 तो हट चुका है ना, तो अभी मेरे पास ये 9999 है शामिल, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसमें से एक माइनस और कर दूंगा, है ना, वो भी निकल जाएगा, 8998 होगा फिर आंसर। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से देखते हैं कि हमें किसको लेना है और किसको निकालना है। अरे, दोनों को हटाना है, बीच में पूछ रहा है इसको, तो ये इसमें से इसको घटाया, तो ये तो अपना आप ही हटकी थी ना,
सुनते नहीं ना शब्दों को, शब्दों पर ध्यान दिया करो। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? मिटा दो उसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, मिटा वो, चलो अगले पे। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, ध्यान दो। चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और तीन अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? बता अनु, जल्दी बता क्या होगा, कितना? 199। सबका यही आ गया, सबका यही आ गया, ठीक है ना। तो चार अंकों वाली सबसे बड़ी, चार बार 9 लिख दोगे, है ना, और तीन अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100 होगी। इन सबको जोड़ दोगे तो 99 और ये कितना हो गया? 100। तो कितना हो गया? 100 99, यानी कि ये वाला, ठीक है ना। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? 10,099, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 बताओ इसको जल्दी। अब ये सवाल जो है कौन बताओगे? ए भाई कौन बताओगे इस सवाल को? निम्नलिखित में से कौन सा 11,111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, चलो तुम बताओ, तुम बताओ, देखते हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सा 11,111 को का प्रतिनिधित्व करता है? ए ऑप्शन किसी का नहीं है, ए ऑप्शन किसी का नहीं है, है ए ऑप्शन, हाँ दिख रहा है तो 11,111, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? पता नहीं उठपटांग तरीके से क्या क्या बता रहे हैं, है कि नहीं? तुम बताओ, पता नहीं चल पाया। बी 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 ए बी सी कुछ नहीं, बताओ ए, पता नहीं चला, पता नहीं चला। 11,111 ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आधे बच्चे समय लगाओगे ना टिक मार्क, ये सीटेट का ही पेपर का एग्जाम का क्वेश्चन है, देखा भी होगा तुमने, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा 11,000, देखो हजार का मतलब क्या है, 1,000, 1,000 है ना, 1,100, 1,100, 100 का मतलब क्या है, 100, ठीक है ना, और 11, 11 का मतलब 11, तो 11,000 लिखोगे कि नहीं? ये 11,000 और 1,100 लिखोगे और ये 11, अब लिख के जोड़ोगे तो कौन सा है, 12,111, तो बी ऑप्शन हुआ ना। बताओ, ऐसे सवाल तो मैंने बिल्कुल बहुत ज्यादा करवाए। अब वहां पे प्लस लग रहा था कि 11,000 प्लस 1,100 प्लस, है ना, और 11, तो वहां पे तो तुमने कर लिए, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से दे दिया तो गड़बड़ होगी, समझे नहीं बात को? प्रैक्टिस नहीं करते बिल्कुल भी, है ना, घर पे जाके पढ़ते नहीं, मेहनत नहीं करते, वे सर नहीं कर रहे, गड़बड़ कर रहे वे भी सर, कहीं में बिजी हो रहे, रसगुल्ले नहीं छोड़ रहे बिल्कुल भी है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई, मैं डस्टर देखने चला गया था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन भी देखा होगा तुमने, जाना पहचाना लग रहा होगा, लग रहा कि नहीं लग रहा, बताओ जल्दी। गुणनफल 3001 इंटू 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि ये प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, 300 311, है ना, 300,311, है ना, प्राप्त हो 300,311, ये कौन सी पत्ती है, ब्रिटिश इंटरनेशनल, है ना, प्राप्त हो, बताओ जल्दी कैसे करोगे, करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना, करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना, ट्राई करूंगा, है ना, देखो करना क्या है, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, मेरे को पता तो सब है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके बताओ ना कैसे करोगे, बस कुछ भी है। देखो ये कह रहा कि क्या घटाया जाए, बात नहीं फालतू नहीं, क्या घटाया जाए
तो आपने मान लिया कि x घटाया जाए ताकि 3,311 प्राप्त हो, 3,311 प्राप्त हो। अब कुछ नहीं करना, इनकी मल्टीप्लाई करनी। अब देखो कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 3001 और 101। अब ईमानदारी से बताओ ऐसे कितना लिखी, देखो ऐसे कितना लिखी, सबने अधिकतर ऐसी करी, तो ऐसा नहीं करनी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना। अब ध्यान दो, ये लिखा हुआ है 3001, है ना, पेपर में बैठ के ऐसे नहीं करनी मल्टीप्लाई, है ना, ये लिखा हुआ है इस तरीके से। अब ये बताओ इस 101 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता ब्रेक करके, 100+1, तो हमेशा ब्रेक करके करना है, समझ रहे बात को। तो ये बताओ 3001 की मल्टीप्लाई तुम 100 में करोगे, भाई डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ नहीं बताया था मैंने तुम्हें, वितरण नियम, तो वितरण नियम क्यों लगाते हैं यहां पे तुम, बताया था ना, है ना। 3001 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो कितना बनेगा, 2 0 लग गई, है ना। अब 3001 की मल्टीप्लाई फिर 1 में करोगे, 3001 वापिस आ गया, 3001। अब इसको जोड़ तो सकते हो ना, तो ये आ गया तुम्हारा, है ना, 3,03,101, 3,03,101, है ना। ये क्या आ गया इसका गुणनफल, 3,03,101, ये इसका गुणनफल आया निकल के। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। कह रहा कि इसमें से क्या घटाया जाए, तो माइनस एक्स इतना घटाया गया तभी तो जाके ये बचा होगा, तो ये एक्स तो उधर गया और ये इधर आके घटेगा, यानी कि इसमें से घटेगा ये वाला, है ना, 3,03,111 घटा दो उसमें से, बस क्या घटाओगे, 3,03,111, ये माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2790 आंसर। आई नहीं बात समझ में, ए ऑप्शन क्लियर है बात। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे ब्रेक करके, या तुम इसको 3,000+1 कर लो, है ना, ये 3,001 लिख रहा जो, इसको तुम ऐसे लिख लो 3,000+1 और 1 × 101, तब जाके मल्टीप्लाई करोगे तो आसान पड़ेगी, है ना। वैसे करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वितरण नियम यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है, तब जाके तुम्हें अपना आंसर देना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा करो नोट जल्दी। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करो आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 59 बताओ जल्दी। गुणनफल 102 × 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो, 19,999 प्राप्त हो, ठीक है ना। तो 503, 602, 103 या 401, है ना। तो हमें सीधा सीधा इसकी क्या करनी, मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना। तो सीधा सीधा क्या करोगे, 102 को 100+2 मान लो, क्या मान लो, 100+2, तो 201 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे ना, 201 की मल्टीप्लाई जब 100 में करोगे तो ये बनेगा, क्लियर होगी बात। तो 100+2 दो में मल्टीप्लाई कर दोगे 201 की, तो 2 × 2 = 0, 2 × 2 = 4, तो अब जोड़ के लिख दोगे 2 × 0 = 4, 1 = 5, 20,502। ये कितना आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन, 20,502, कितना आ गया, 20,502। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, 20,502 तक। ये कैसे किया मैंने, ये 100+2 लिख दिया ना, 102 को 100+2, है ना। तो 201 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 20,100, है ना, फिर 2 की मल्टीप्लाई 201 में करोगे तो 402, और फिर प्लस करके जोड़ दोगे, इसको प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 20,502। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, सबके समझ में आ रहा भाई। अब ये कह रहा कि इसमें से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो, तो क्या घटाया जाए, अंतर कर दो, 19,999 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आ गया भाई, 503। सिंपल सा सवाल, खत्म बात, ए ऑप्शन आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये काम नहीं करना बस पेपर में बैठ के कि 102 और 201 × 1 × 2 = 0, 1 × 0 = 0, 0 = 0, फिर गुणा गुणा, है ना, 2 × 2 = 4, 0, फिर 2, फिर जोड़ता फिर वही क्या है, समझ गए बात को, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है।
तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है, तो इस पर प्रैक्टिस करो थोड़ा। चले आगे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60, फटाफट बताओ, फटाफट उड़ा दो क्वेश्चन को। गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो? 274, 278, 364, 264, बताओ इनमें से कौन सा आंसर हो। करो नोट जल्दी कर। इसमें से क्या जोड़ा जाए, इसमें जोड़ने की बात कर रहा है, घटाने की बात नहीं कर रहा है, इसमें जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, क्या जोड़ा जाए कि 274, बिल्कुल सही जवाब है ना, 274 यही सही जवाब है। तो 140 गुणा 101 करना भाई, तो 101 को क्या मान लोगे, 100 प्लस 1, तो 140 में तुम जब 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो 14,000 होगा कि नहीं, है ना, 14,000 और प्लस 1 था तो 140 वापस जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 140 वापस जोड़ दोगे तो 14,140 होगा कि नहीं, 14,140, यानी कि इनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आई भाई, 14,140। क्लियर है, कह रहा कि इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो, तो 14,414 में से तुम्हें यही तो माइनस करना भाई, 14,140 को माइनस कर दो तो 4 ये आ गया, और 11 में से 4 गए 7 आ गया, 3 में से 1 गया 2, 274 आंसर आ गया। इसको माइनस कर दिया बस 14,140 में। आई नहीं बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझ बताओ इधर, ठीक है ना। तो इनका अंतर करना, बस इनका अंतर करना वही सवाल का जवाब है, ठीक है ना, डिफरेंस कर दो, है ना। तो ये आ गया 274, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 61 ध्यान दो। हाँ हाँ मैं ग्रुप में तो ऐड हो जाऊं पहले ना, मैं अलग नहीं मनाता कभी। ध्यान दो क्वेश्चन को समझिए, 3,759 गुणा 9,573 के गुणनफल में दाहिनी अंक और इकाई अंक का योगफल क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इकाई अंक और दहाई अंक का योगफल क्या है, क्वेश्चन आ गया ये, 3,759 गुणा 9,573 के गुणनफल में दहाई और इकाई के अंकों का योगफल क्या है? ऑप्शन है 9, 16, 07, 9, 16, 07, देखते हैं कितने लोग करेंगे इसका सही जवाब। बताओ जल्दी, दिखाओ एक बार कॉपी दिखाना अपनी भाई। वाह गजब, मतलब देखो बच्चों ने क्या कर दिया, ऐसे लिखा 3,759 और 9,573 और भयंकर तरीके से लगे पड़े हैं, है ना, और रिजल्ट निकालने में लगे पड़े, इसकी भी मल्टीप्लाई, इसकी भी मल्टीप्लाई, इसकी भी पता नहीं क्या कर रहे तुम्हें। अरे पूरा रिजल्ट थोड़ा ही पूछ रहा, वो केवल इकाई और दहाई की बात कर रहा, और अगर इकाई और दहाई की बात करता है तो हम भी केवल इकाई और दहाई पे ही काम करेंगे। समझे नहीं बात को, समझ गए बात को, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 59 दिखाई दे रहा, 59 गुणा 73 रीड करो ना इसको, है ना। तो 59 को तुम कहोगे सर ये तो 60 माइनस 1 है और ये 73 है, अरे तेरी पिटाई करूंगा मैं, भारत माता तुझे कुछ नहीं आता है ना, तेरा वो काम हो रहा है ना। नोत ये भी कितनी बार बोल लिया, कहले 27 है ना, यहां देखो एक बार, तो 73 की मल्टीप्लाई 60 में होगी, 60 में कर दो मल्टीप्लाई, तो 0 तो 0 ही है,
है ना, 36, 18, 1, 6, 7, 42 और 1, 43, 43, 80। अब 73 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे माइनस के 73, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 7 के 0। हमें फोकस केवल इकाई और दाही पे करना था, तो इकाई और दाही का अंक, इकाई ये रहा, दाही ये रहा, तो इनका योगफल कितना आ गया 7, तो हमारा आंसर क्या हो गया 7, खत्म बात। आई नहीं बात समझ में? मतलब खिचड़ी बना रही है ना, 9, 3, 27 कहाँ हो गए यहाँ पे, वो डिजिटल सम था, यहाँ डिजिटल सम नहीं लगेगा, और ये 9, 3, 27 नहीं होता, वहां पे योगफल होता है अंकों का, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता वहां पर अंकों का, ठीक है ना, डिजिटल सम में। यहां तक बात समझ में आई क्या? ठीक है ना, दोबारा बताऊं, देखो हमें कुछ नहीं करना, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे तो वो इकाई और दहाई पे बात करने की बात कर रहा, दहाई अंक और इकाई अंक, तो इसका मतलब जो सैकड़े का अंक है और जो हमारा हजारवां अंक है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें फुल रिजल्ट नहीं निकालना है ना, हमें केवल इकाई और दहाई पे बात करनी है, तो हम यहाँ पे भी इकाई और दहाई पे ही बात करेंगे, है ना, इकाई और दहाई के अंक पे बात करेंगे केवल, ठीक है ना। क्या हुआ, तो 59 × 73 है ना, 59 × 73। अब ये बताओ 59 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 60 - 1 है ना × 73। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना। अब इसकी मतलब देखो, ये कुछ नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, प्रॉपर्टी है, जो मैंने बताया था, है ना, वितरण नियम बोलते हैं, बंटन नियम बोलते हैं जिसको। तो इस 73 की मल्टीप्लाई 60 में भी होगी, 73 की मल्टीप्लाई 1 में भी होगी, तो 60 की मल्टीप्लाई करो उसको, तो 0 तो मैंने पहले ही लगा दी, है ना, 36, 18, 1, 6, 7, 42 और 1, 43, माइनस के कितना 73 है ना, तो 10 में से 3 गए 7 और 7 में से 7 गए 0, और हमें इकाई और दहाई पे ही काम करना था, है ना, तो 0 + 7 कितना हो गया, हमने पूरा रिजल्ट नहीं निकाला, क्या बचा क्या नहीं, तो इकाई और दहाई का मिलते ही हमने जोड़ लिया, क्या हो गया 7 हो गया। आई नहीं बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, क्वेश्चन नंबर 62, बताओ क्या है, 0 किसका है, 0 देखते हैं अभी, बताओ जल्दी, 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए, है ना, ये कह रहा कि 231 के साथ, ये कह रहा कि 231 के साथ भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, और 596 यानी के 596 के साथ भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये दोनों गुणनफल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कह रहा ना गुणनफल बराबर हो जाए, है ना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 200 करोगे तो 400 तक ही जाएगा ना, 400 कुछ हो जाएगा ना, 200 ये 1000 से ऊपर पहुंच जाएगा, तो बराबर तो कभी होगा ही नहीं, तो एक ही नंबर ऐसा है जो जीरो के साथ टकराने के बाद जीरो ही बना देगा रिजल्ट को, जीरो ही बना देगा, तो ही हो सकता है, वरना और कोई कंडीशन नहीं है, है ना, 2 से कर लो, 3 से कर लो, 1 से कर लो, तो बराबर कभी नहीं होंगे, क्लियर है की बात, तो जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो इसको भी जीरो करेगा, इसको भी जीरो करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, तो आंसर क्या होगा, 0, सिंपल क्वेश्चन था, फ्री का नंबर था, है ना। और ये आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन 63, है ना, 63 क्वेश्चन बताओगे, अब मैं देखूंगा इसका आंसर कौन बताऊंगा, इसका आंसर कौन बताऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है ना, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है 10, 12, 8, 9, 10, 12, 8, 9, 10, 12, 8, 9, कौन बताओगा, बताओ, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, और इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या है, है डी ऑप्शन बता रहे, एक तो 9, तुक्का मार मार है, तुक्का ही है, और क्या है, क्या 12 और 8 में से, भाई वहां पे एक पे लगाया जा आंसर, है ना, अब ऐसा नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन यानी कि 9, और बताओ कोई, मैं तो ये कह रहा कि इन चार ऑप्शन में से कोई एक पाओगा, है कि नहीं,
अब तुम कह रहे कि या तो 12 है या फिर 8 है, तो वहां पे तो एक पे लगाओगे ना टिक, दोनों पे लगा दो तो गलत हो जाएगा। तो बताओ पता क्या है, दो नंबर मान के चलो, दो नंबर है ये, जितना दूर होंगे उतना इनका योगफल ज्यादा होगा, और ये दो नंबर जितने नजदीक होंगे उतना योगफल इनका कम होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। जैसे मैं देखता हूं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है भाई, दो पूर्ण संख्या 24 है, इनका गुणनफल क्या है 24 है। अब 24 को लाने के लिए देखो, 24 को लिखने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन हो सकती है, एक गुणा 24 भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, ठीक है। एक गुणा 24 अगर मैं इनका योग करूं कितना होगा 25, 25 दो पूर्ण संख्या, एक भी पूर्ण संख्या है 24 भी पूर्ण संख्या है, और दोनों का गुणनफल 24 भी है। अगर मैं इन दोनों का योगफल करूं तो कितना मिला मुझे 25। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। और ये एक नंबर तो इस कोने पे है और एक नंबर 25 उस कोने पे है कि नहीं, वो 24 उस कोने पे है, तो दूरियां बहुत ज्यादा है ना। अगर दूरियां बहुत ज्यादा है तो इनका योगफल भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। दूरियां गैप बीच में क्या है, बहुत ज्यादा है, 23 का गैप है ना, तो यहां पे योगफल क्या है 25। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है हमारी कि तुम क्या कर लो, इसको तो दो ले लो और इसको 12 दुनी 24 कर दो, 12 दुनी 24। अब इनका योगफल करना, 12 और 2 14, तो योगफल यहां कितना आया 14। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई हमारी, बात नहीं, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 3 8 24, ठीक है ना, 3 8 24, तो 8 और 3 11, 8 और 3 11, है ना। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है भाई हमारी, चौथी कंडीशन हो सकती है 4 6 24, 4 6 24, 6 और 4 10, 10 हो सकता है कि नहीं। अब जो मैं पांचवी कंडीशन करूंगा तो फिर मैं बोलूंगा 5 से कटता नहीं 24, तो 6 गुणा 4, ये रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा, 6 6 24 का रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब टोटल बस इतनी ही कंडीशन बनाई जा सकती है। और मैंने कहा कि जितनी जितना योगफल है ना, वो जितना नंबर दूर होगा उतना योगफल ज्यादा होगा, उतना ही योगफल मैक्सिमम होगा, यानी कि एक और 24 में गैप 23 का है, 2 12 में गैप 10 का है, 3 8 में गैप 5 का है, 4 6 में गैप 2 का है, तो गैप मिनिमम कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो योगफल भी मिनिमम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। यानी कि गैप अगर मिनिमम है तो इनका सम भी मिनिमम होगा, गैप अगर मैक्सिमम है तो सम भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, न्यूनतम संभव योगफल, न्यूनतम संभव योगफल यानी कि मिनिमम सम पूछ रहा था, तो गैप भी मिनिमम देखना पड़ेगा। अब गैप मिनिमम मुझे 4 और 6 के बीच में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर हमारा 10 होगा। अगर सवाल में पूछ रहता कि अधिकतम संभव योग क्या होगा, तब हमारा आंसर 25 होता। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो जवाब क्या हुआ हमारा, ए ऑप्शन। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है ना, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अभी 10-15 मिनट है, 10-15 मिनट में मैं तुम्हें स्थानीय मान और जातीय मान बता दूंगा, तो पहले मैं टॉपिक इसी को शुरू कर रहा, ठीक है, चलिए लगाओ अपनी कॉपी पे हेडिंग, जातीय मान नया टॉपिक है, जातीय मान है ना, और एक होता है स्थानीय मान, एंड स्थानीय मान, स्थानीय मान, यहां से क्वेश्चन 100% आना तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है ना, जातीय मान और स्थानीय मान में से। इसको क्या बोलते हैं हम भाई, जातीय मान को फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं हम, प्लेस वैल्यू, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान के चलो तुम किसी को पहचानते हो तो किसको देखकर पहचानते हो, किस चीज को देखते हो किसी इंसान को पहचानने में, फेस को ना, यानी कि वो उसकी फेस वैल्यू क्या, उसका फेस यानी कि फेस का मतलब चेहरा, क्या उसके चेहरे की कीमत कभी बदली जा सकती है, नहीं बदलेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, फेस वैल्यू नाम से स्पष्ट है कि जो चेहरे की कीमत हो, यानी कि अगर मैं इसको रिलेट करूं अंक से, तो यानी कि अंक का वो मान जो कभी ना बदले, अंक का वो मान जो कभी ना बदले, तो लिख सकते हो उसके नीचे कि हमारा जो ये जातीय मान है, इसका मतलब है अंक का, अंक का वह मान जो कभी ना बदले, कभी ना बदले,
यानी कि अंक का वो मान जो कभी ना बदले, यानी कि फिक्स है उसका मान, है ना। जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये 500 रुपए का नोट है, तो उसको 500 को तुम ये तो नहीं कह सकते 20 रुपए का नोट है, समझ रहे बात को। तो फिक्स है 500 का नोट है, तो भाई 500 का नोट है ना। तो अंक का वो मान जो कभी ना बदले, फिक्स कर दिया एकदम बिल्कुल, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध मान भी बोल सकते हैं, जाती मान को ही हम शुद्ध मान भी बोल सकते हैं, वास्तविक मान भी बोल सकते हैं, है ना, और अंकित मान भी बोल सकते हैं। तो इसका अलग अलग नाम है, वास्तविक मान भी कह सकते हैं इसको हम, वास्तविक मान, शुद्ध मान भी हम इसी को कहते हैं, शुद्ध मान, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं इसको अंकित मान, अंकित मान, या इंग्लिश में बोल लूं मैं तो इसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जातीय मान और कुछ नहीं, खुद का मान होता है। क्या होता है, खुद का मान ही जातीय मान होता है, जातीय मान होता है। बात समझ में आई, खुद का मान ही क्या होता है, जातीय मान होता है। क्लियर है भाई यहां तक, ठीक है ना। खुद का मान ही जातीय मान होता है। जैसे मैं बोल दूं 435, 435, तो 435 में इस चार का जातीय मान क्या होगा, चार, यानी कि खुद का मान। चार को देखकर तुम कभी भी छह तो नहीं कहोगे, है कि नहीं, यानी कि अंक का वो मान जो कभी ना बदले, यानी कि चार को चार ही बोलोगे। खुद का मान ही जातीय मान कहलाता है, इसका मतलब चार का खुद का मान क्या होगा, चार ही होगा, है ना। तीन का खुद का मान क्या होगा, तीन ही होगा, है ना। पांच का खुद का मान क्या होगा, पांच ही होगा। तो यानी कि खुद का मान ही क्या होगा हमारा, ये जातीय मान होगा। अब ये बताओ जातीय मान में कोई डाउट है क्या, ठीक है ना। अंक का वो मान जो कभी ना बदले, कभी ना बदले मतलब वो फिक्स है, समझ रहे बात को, ठीक है। और इसको वास्तविक मान के नाम से भी जानते हैं, इसी को शुद्ध मान भी कह सकते हैं हम, इसी को अंकित मान भी कह सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, वो जातीय मान की बजाय वास्तविक मान बोल देगा। तो समझना है कि वास्तविक मान का मतलब जातीय मान ही है। शुद्ध मान बोल देगा तो भी समझना है कि भाई जातीय मान के बारे में बात कर रहे हैं। अंकित मान बोल देगा या इंट्रिंसिक वैल्यू बोल देगा तो बात एक ही है, बात समझ भाई। तो अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की, अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू के लिए यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी कि अंक का वो मान, देखो यहां पे तो अंक का वो मान जो कभी ना बदले, यानी कि फिक्स है, लेकिन यहां पे क्या होगा ना, स्थान के कारण बदलता है अंक का मान। किसके कारण, स्थान के कारण। तो यानी कि लिखो, अंक का वह मान, अंक का वह मान जो उसके स्थान के कारण, जो उसके स्थान के अनुसार, लिख लो, जो उसके स्थान के अनुसार अनुसार बदले, जो उसके स्थान के अनुसार बदले। तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि जो अंक है वो कौन से स्थान पर है, है ना, कि इकाई के स्थान पर है, या दहाई के स्थान पर है, या हजार के स्थान पर है, या सैकड़े के स्थान पर है ना। तो अलग अलग स्थान पर अंक का जो मान होगा वो अलग अलग होगा, बात समझ में आई। तो स्थान के अनुसार बदलता है, स्थानीय मान कहलाता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो कि भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, समझिए। मैं मान के चलता हूं कि जैसे कि कोई संख्या लिख दी मैंने, 43512, ये कोई संख्या है 43512। तो मैं बोलता हूं कि भाई दो का स्थानीय मान क्या होगा, दो का स्थानीय मान, तो दो का अंकित मान तो दो ही होगा, लेकिन ये कौन से स्थान पे है, इकाई के स्थान पर है। तो इकाई के स्थान पर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक। तो दो गुणा एक यानी कि दो होगा स्थानीय मान, दो गुणा एक यानी कि दो, है ना। अगर मैं बात करूं इसकी एक की, तो एक का स्थानीय मान क्या होगा, तो एक का अंकित मान कितना है, पहले एक, एक का अंकित मान कितना, एक, लेकिन ये कौन से स्थान पर रखा है, दहाई के स्थान पर। तो 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, अब 10 हो गया, इसका मान अब कितना हो गया, 10 हो गया। तो एक का मान 10 हो गया, क्योंकि ये स्थान के कारण बदल गया, ये एक था अंकित मान, लेकिन स्थान के कारण ये अब कितना हो गया, 10 हो गया, बात समझ में आई, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पांच की, तो पांच कौन से स्थान पर है, सैकड़े पर, 100 की मल्टीप्लाई यानी कि 500 हो गया इसका मान,
बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तीन की, तो तीन की मल्टीप्लाई करोगे किसमें, हजार में, 3000 हो गया, और चार का 4 × 10000 तो कितना हो गया भाई, 40000 हो गया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ के बात को। यानी कि अंक का वो मान जो उसके स्थान के कारण बदलता हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्थानीय मान बोलते हैं। यहां तक को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलिए अब समझिए भाई, मैं कोई संख्या लिख रहा हूं यहां पे 63562, ये संख्या लिख दी मैंने, ठीक है ना। और मैं कहता हूं कि भाई बताओ मुझे इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 ही होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 ही होगा, पक्की बात है, ठीक है। मैं बोलता हूं कि इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 60 होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 60, क्योंकि 6 दाहिने स्थान पर है, 6 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 60। 6 में तुमने किसकी मल्टीप्लाई करी, 6 में 10 की मल्टीप्लाई कर दी। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 500 किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 100 की मल्टीप्लाई कर दी। 3 का स्थानीय मान 3000, तो 1000 की मल्टीप्लाई कर दी। 6 का स्थानीय मान कितना, 60000, तो तुमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी 10000 की। तो कुल मिलाकर मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि अगर तुम्हें 6 का स्थानीय मान निकालना है तो ये देख लो 6 के राइट में कितने अंक है, कितने अंक है, 4 अंक, तो 6 के राइट में जितने अंक हो गए उतने 0 लगा दोगे, ठीक है ना। 3 का निकालना है, 3 का निकालना है, अब तुम्हें 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 के राइट में जितने अंक उतने 0, समझ रहे बात को। 5 का निकालना है तो 5 के राइट में जितने अंक उतने 0। 6 का निकालना है, 6 के राइट में जितने अंक उतने 0। 2 का निकालना है तो 2 के राइट में 0 है ही नहीं, तो 2 इकाई के स्थान पर है, तो इसका मतलब 2 × 1, यानी कि 2। बात समझ में आ रही, इस तरीके से बोल सकता हूं कि नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है ना। अगर मैं अब ये पूछ लूं तुमसे, कि भाई मुझे ये बताओ, यहां पे मैंने लगा दिया पॉइंट, यहां पे मैंने लगा दिया पॉइंट, अब मुझे स्थानीय मान निकालने हैं। अंकित मान तो फिक्स है भाई, 2 का अंकित मान 2 है, 6 का अंकित मान 6 है, और 5 का अंकित मान 5 है, 3 का अंकित मान 3 है, 6 का अंकित मान 6 है, लेकिन बात हम स्थानीय मान पर कर रहे हैं ना। तो मुझे ये बताओ कि 5 का स्थानीय मान कितना होगा, प्लेस वैल्यू कितनी होगी 5 की, 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 5। यानी कि जब भी दशमलव लगा होगा तो हम इस क्वेश्चन को 2 पोर्शन में तोड़ेंगे, है ना। एक तरफ डेसिमल वाला हो गया, दशमलव वाला हो गया, और एक तरफ पूरा इंटीजर हो गया, है ना। यानी कि 635 अलग हो गया और ये 0.62 अलग कर दिया हमने, है ना। ये सोच के चलेंगे कि ये इंटीजर है, इसको अलग रखना है, इसको अलग रखना है। तो अगर मैं पूछता हूं 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, ये इकाई के स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही। मैं पूछता हूं कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान, 3 के राइट में कितने अंक, तुम कहोगे सर एक ही अंक है, दशमलव को तो भूल जाओ इधर वाले को, है ना, एक ही अंक है, तो कितना हो गया, 30 हो गया, और वैसे भी ये दाहिने के स्थान पर है, है ना। और अगर मैं पूछता हूं 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या होगा भाई, 600, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं पूछता हूं तुमसे कि बताइएगा इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 6 का स्थानीय मान 6/10, यानी कि 0.6 भी लिख सकते हो या फिर 6/10 भी लिख सकते हो, बताओ समझ में आया कि नहीं। मैंने बीच में प्लस नहीं लगाया, लगा सकते हो तुम प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस 6 का स्थानीय मान निकालना है मुझे, हमें देखना पड़ेगा, देखो इस 5 के राइट में कितने अंक है, तुम कहोगे 0 अंक है, कुछ नहीं है ना, तो 5 का स्थानीय मान 5 ही है। तो अगर हम इंटीजर में राइट की तरफ देखते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर दशमलव वाला है तो हम लेफ्ट की तरफ देखते हैं, 6 के अंदर कोई अंक है नहीं है, तो अगर होता तो उसको हम 0 मानते, अगर होता तो उसको हम 0 मानते, लेकिन 6 के इधर तो है ही नहीं कोई अंक, तो इसको हमने 6 लिखा है और पॉइंट लगा दिया, या फिर मैं 6/10 भी लिख सकता हूं, समझ रहे बात को। अगर मुझे इस 2 का निकालना है स्थानीय मान, तो मैं बोलूंगा कि 2 के लेफ्ट में कोई अंक है क्या, तुम कहोगे 2 के लेफ्ट में 6 है, तो इसको तुम 0 मान के चलोगे, 0/2। इसका स्थानीय मान, इस 2 का स्थानीय मान होगा 0.02, या फिर बोल सकते हो कि 2/100, समझ रहे क्या बात को, अब क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है ना। अगर मैं कोई एग्जांपल और दूं और मैं बोलूं कि 535
6.4378 ऐसे दे दिया। और मैं तुमसे पूछ लू, बताओ सात का स्थानीय मान क्या होगा? सात का स्थानीय मान, सात का स्थानीय मान कुछ नहीं करना, पॉइंट ऐसे लगा दो और 1, 2, 7 ये है भाई, समझ गए? 8 का 0.0008, 3 का 0.03, 4 का 0.4, समझ रहे बात को? ठीक है ना, इसका कितना हो गया 0.4 या 4/10, इसका कितना हो गया 0.03, इसका कितना हो गया 0.007, इसका कितना हो गया 0.0008। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है ना, इसका निकालना 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा, 5 का कितना, 3 का कितना 300, 5 का कितना 5000। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? स्थानीय मान में कोई डाउट है? जातीय मान में कोई डाउट है? क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है ना, अब कल की जो क्लास होगी हमारी, इसमें हम स्थानीय मान जातीय मान के क्वेश्चन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, है ना, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सन्निकट मान, है ना। अगर मेरी क्लास न होती तो मैं अभी करवा देता, सन्निकट मान भी अभी खत्म हो जाता, है ना। चलो खैर, सन्निकट मान में कोई भी नंबर दे दिया, उसका निकटतम मान पूछता है, वो बताऊंगा सटीक आंसर देना है सेकंड्स में, ठीक है ना। चलो कल पढ़ेंगे उसको।